जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर। मिर्जापुर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला ईद का पर्व सकुशल संपन्न हुआ। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत लोगों द्वारा ईदगाह में नमाज न पढ़ते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज सोशल डिस्टेंस के तहत अदा की गई। सुबह से इमाम बाड़ा स्थित ईदगाह के आसपास प्रशासन मुस्तैद रही। अपर पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा द्वारा पुलिस PSC बल एवं कोतवाली कटरा प्रभारी स्वामीनाथ प्रसाद द्वारा मार्च करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने कहा कि मिर्जापुर की मुस्लिम समुदाय द्वारा हमारे प्रशासन का सहयोग किया गया है और आज ईद के दिन भी वही सहयोग उनके द्वारा मिला। लोगों ने गाइडलाइन का पालन बखूबी से किया जिससे हम लोगों को सहयोग मिला है। उन्होंने ईद के पर्व पर सभी नगरवासियों की ईद को बधाई देते हुए घर में रहकर खुशी खुशी ईद का पर्व मनाने की अपील की। जिस प्रशासन के द्वारा COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी से कहा गया कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें व सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर निकलें। इस क्रम में आज 14 मई 2021 को ईद उल फितर की नमाज के दिन जहां सैकड़ों पर हजारों की संख्या में एकत्रित होकर नमाज किया गया, वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए लगाया गया रोक के कारण सभी के द्वारा नियमों का पालन किया गया और अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की गई और मस्जिद में केवल 5 लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की। ईदगाह में तालाबंद दिखाई दिया। क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार वर्मा के द्वारा बताया गया कि सभी मुसलमान समुदाय के लोगों से आग्रह किया गया था कि किसी भी COVID-19 का पालन करने पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, अनावश्यक बाहर से ना निकलें। सभी परिवारों को सुरक्षित रखने और SPCT के द्वारा सभी जनपदवासियों को ईद की मुबारकबाद दी गई। मिर्जापुर में सकुशल संपन्न ईद का पर्व लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखे मुस्लिम समुदाय के लोग। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। सर बताया कि आज जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन अभी बात कोविड की वजह से परमिशन नहीं दी गई है। क्या गाइडलाइन का क्या नियम बताया गया है, किस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए बताया गया? जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 अपने पूरे खतरनाक रूप में इस समय चल रहा था और पब्लिक को बहुत अच्छी जानकारी है। लोग चाहे वो मुस्लिम हो भाई लोग हो चाहे हिंदू भाई हो, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि इससे कितना खतरा है, कितना जीवन खतरा है। सभी लोगों ने अपने आप ही इसका पालन किया। हम लोगों ने भी निर्देश दिया था, ये बात सही है। गाइडलाइन यही है कि लोग घरों में पढ़ें और भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं। तो ये निश्चित तौर से बहुत एक अच्छी शुभ संकेत है कि लोग खुद जानकार हो गए हैं और खुद लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी है और इससे कहीं भीड़ भाड़ नहीं हुई और कोई समस्या पैदा नहीं हुई। सर आपके द्वारा मैं पुलिस बल के साथ इस समय रूट मार्च किया गया है, क्या पाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे नियम का पालन किया गया? निश्चित तौर से त्यौहारों में जैसा कि बहुत आम रूप से ईद बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है और उसमें चहल पहल काफ़ी रहती है, लेकिन तभी लोगों ने बहुत ही नियंत्रित ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने फूट मार्च भी किया, भी ईदगाह तक जा सके, जो काफ़ी अनुशासन उन्होंने दिखाया है लोगों ने और कोई समस्या पैदा नहीं हुई और सभी उन्हें मास्क वगैरह का धारण कर रहे हैं। जो एकाद बच्चे वगैरह हैं कहीं नहीं किए तो उनको निर्देश किया था, धारण कर रहे हैं। सर ईद के मौके पे आप क्या जनता को संदेश देना है? सभी को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ, मीठी सेवैयाँ खाएं और एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें और कोविड में जो सुरक्षित रहें और दूसरे सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग करें। कोई ऐसा काज ना करें जिससे कि कोविड में किसी की जान या प्राण या किसी का कोई खतरा हो। आप जानते हैं काफ़ी खतरनाक बीमारी है। लोगों से अपील करता हूँ कि लोग निश्चित तौर से सुरक्षा जो भी इसके गाइडलाइंस हैं, जो भी इसके निर्देश हैं शासन के, मास्क का धारण करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धुलें और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये निश्चित तौर से